माइक्रोसॉफ्ट ने बहुप्रतीक्षित लूमिया 950 और लूमिया 950 एक्सेल स्मार्टफोन लॉन्च कर दिए हैं। दोनों ही स्मार्टफोन कंपनी के लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज 10 मोबाइल पर चलेंगे। माइक्रोसॉफ्ट लूमिया 950 की कीमत करीब 35,800 रुपए से शुरू होगी, जबकि माइक्रोसॉफ्ट लूमिया 950 एक्सेल की करीब 42,300 रुपए से। फीचर्स की बात करें तो माइक्रोसॉफ्ट लूमिया 950 में 5.2 इंच का QHD डिस्प्ले है, जिसकी पिक्सल डेंसिटी है 564 PPI। ये 1.8 GHz हेक्सा कोर क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 808 चिपसेट और 3GB रैम के साथ आएगा। स्मार्टफोन की इनबिल्ट स्टोरेज 32GB है और इसमें माइक्रो SD कार्ड 200GB तक लगाया जा सकता है। माइक्रोसॉफ्ट लूमिया 950 एक्सेल में 5.7 इंच का QHD डिस्प्ले है, जिसकी पिक्सल डेंसिटी है 518 PPI। इसमें 2 GHz ऑक्टा कोर क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 810 चिपसेट का इस्तेमाल किया गया है और साथ में मौजूद है 3GB का रैम। हैंडसेट 32GB की इनबिल्ट स्टोरेज के साथ आएगा, जिसे माइक्रो SD कार्ड के जरिए बढ़ाया जा सकता है। दोनों ही स्मार्टफोन में 20 मेगापिक्सल के रियर कैमरे हैं, जो 4K वीडियो रिकॉर्डिंग, OIS और f1.9 एपर्चर वाले लेंस से लैस हैं। इसके अलावा फ्रंट कैमरे 5 मेगापिक्सल के हैं। रियर कैमरे के साथ ट्रिपल LED RGB फ्लैश मॉड्यूल दिए गए हैं और दोनों ही हैंडसेट में एक अलग कैमरा बटन भी मौजूद रहेगा। दोनों ही हैंडसेट लिक्विड कूल्ड हैं। हालांकि माइक्रोसॉफ्ट ने फिलहाल इस बारे में कुछ ज्यादा नहीं बताया। लूमिया 950 और लूमिया 950 XL एडेप्टिव एंटीना टेक्नोलॉजी के साथ आएंगे। कंपनी का कहना है कि इसकी मदद से डिवाइस में कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम नहीं होगी। फोन में USB टाइप सी पोर्ट मौजूद है। कंपनी का दावा है कि डिवाइस में इनबिल्ट फास्ट चार्जिंग मोड मौजूद है, जिसकी मदद से मात्र 30 मिनट में फोन की बैटरी 50% चार्ज हो जाएगी। दोनों ही फोन रिमूवेबल बैटरी और बिल्ट इन वायरलेस चार्जिंग के साथ आएंगे। सॉफ्टवेयर की बात करें तो लूमिया 950 और 950 XL विंडोज हेलो बायोमेट्रिक सिस्टम के साथ आएंगे, जो चेहरे को पहचान कर डिवाइस को अनलॉक कर देंगे। सबसे अहम फीचर है कॉन्टिनम माइक्रोसॉफ्ट डिस्प्ले डॉक का इस्तेमाल करके, जो HDMI और डिस्प्ले पोर्ट और 3 USB पोर्ट के साथ आता है। आप अपने फोन को सिस्टम से कनेक्ट कर पाएंगे। इसके बाद मोबाइल का इस्तेमाल कंप्यूटर से कर सकते हैं।